नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आपको बता दें कि युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है और खुशखबरी वाली खबर है। युवाओं सुनकर अब उछल पड़ेंगे क्योंकि सिपाही भर्ती की वैकेंसी निकल पड़ी है और इसके लिए परीक्षा की तैयारी भी पूरी हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसको लेकर जो है लोगों को जानकारी तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। जो ट्विटर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी आधिकारिक तौर पर जो है वो पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वहीं केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस द्वारा अन्य इकाइयों में सिपाही भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो करीबन 21,391 पदों की सीधे नियुक्ति की जाएगी। और तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि युवाओं के लिए खुशखबरी है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 21,391 पदों की सीधी नियुक्ति होगी और परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और बिहार पुलिस की बिहार में बाहर है नौकरियों में अपार है, यानी कहीं ना कहीं उन विपक्षों को तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए जो आए दिन जो सवाल उठाते रहते हैं विपक्ष की कहाँ रोज़गार है, कहाँ नौकरियाँ हैं, वो तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ट्वीट कर दे दिया है। और सीधे तौर पर ये विपक्ष को जवाब तेजस्वी यादव ने दिया है अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए और सीधे तौर पर लिखा है कि बिहार में बाहर है नौकरियों की अपार है, यानी कहीं ना कहीं नौकरियों की बम्पर वैकेंसियाँ जो हैं वो निकल पड़ी है। और इसकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और किन किन तारीखों को परीक्षा, पहली परीक्षा जो है वो 1 अक्टूबर को है, दूसरी परीक्षा 7 अक्टूबर को और तीसरी परीक्षा 15 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि सुबह सुबह तेजस्वी यादव यानी गुरुवार के दिन ही सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी है। वहीं तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो सवाल खड़े करते रहते हैं उन विपक्षों को तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जवाब दिया है। और इस वैकेंसी के बाद जो है युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, अब सिपाही भर्ती की सीधे डायरेक्ट नियुक्ति भी होगी। ऐसे में तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से ये जो है कैलेंडर भी जारी किया गया है। ये 2 कैलेंडर जारी किए गए हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने अपने जो है ट्विटर पे लिखा है कि पोस्ट में कि बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 21,391 पदों का सीधे नियुक्ति के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इतनी ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि बिहार में बाहर है नौकरियों की अपार है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को शेयर किया है। आपको बता दें कि पहले दिन ही परीक्षा 1 अक्टूबर को 2 पालियों में ली जाएगी, सुबह 10 बजे से होगी और उसके लिए अभ्यर्थियों ने परीक्षा के 2 घंटे पहले ही यानी 8 बजे ही रिपोर्टिंग करना होगा। वहीं दूसरी पाली परीक्षा में 3 बजे ही होगी जिसके लिए 1 बजे ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग करना होगा। और 7 अक्टूबर को जो तीसरी पाली की परीक्षा होगी वो और उसके बाद 15 अक्टूबर को भी यानी जो पाली की परीक्षा है वो होगी। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो युवाओं को जो है बड़ी खुशखबरी दे दी है युवाओं के लिए। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये कैलेंडर जारी कर दिया है और युवाओं में अब खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अपने सहयोगी श्रवण के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।